गुरुग्राम पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में विकास को एक नई गति मिली है। बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने जिस तरह से प्रदेश में विकास कार्य किए हैं उससे लोग काफी खुश हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपनी फोटो लगाने का शौक है और उन्होंने हरियाणा नंबर वन का नारा देकर लोगों को सिर्फ गुमराह किया है। संज्ञान में मामला नहीं है, मैं ACS हेल्थ को भी कहता हूँ इसकी इंक्वायरी करें और क्यों इस तरह के लैप्सेस हुए, उसको 24 आवर सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी का क्यों नहीं है तो डिपार्टमेंट से इसको रिपोर्ट मंगाते हैं। सुनैना चौटाला जी ने कहा है कि जो देवीलाल जी की जो उत्तराधिकारी है वो ओम प्रकाश चौटाला जी तय करती है उत्तराधिकारी कौन है किसका, और मुझे लगता है कि ना मैं इसमें प्रमाण दे सकता, ना वो दे सकती, ना कोई और दे सकता। जनमत जो है ये तय करेगा कौन किसका उत्तराधिकारी है। आज सर छोटूराम जी के इस पावन धरा पर जो एनुअल फंक्शन बनाया गया है, मैं संस्था के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं और यही उम्मीद करता हूं कि आज जो बातें यहां कही गई कि अगली पीढ़ी को कैसे शिक्षा में हम और बेहतर बनाएं, ट्रेन करें, कैसे आगे लेकर चलें, इसके अंदर संस्था अब आगे काम करेगी कि एजुकेशन के फील्ड में भी और भविष्य के अंदर कोचिंग के फील्ड में भी और हरियाणवी संस्कृति को बचाने में भी संस्था अपना अहम योगदान देगी। लगातार खेलने के लिए लगातार आपके सदन में हंगामा दिख रहा है और जो शराब होटल है उसमें कहीं ना कहीं जहरीली शराब है उसका एक मुद्दा। पहली चीज तो मैं आपको करेक्ट करूंगा, शराब घोटाला कोई चर्चा में नहीं आया, जहरीली शराब। जहां बात स्पूरियस लिकर की आई उसके ऊपर होम विभाग अपना जवाब देगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा हुआ है, और ये कोई फैक्ट्री से निकली हुई शराब नहीं थी, किसी ने घर में बनाई हुई शराब को और खुर्दों के मार्फत बेचा। इसके ऊपर कई बार DGP भी अपना वक्तव्य रख चुके हैं, होम मिनिस्टर भी रख चुके हैं, और मुझे लगता है जो आरोपी थे 19-20 सभी अरेस्टेड हैं, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं डबल इंजन सरकार हरियाणा में है, लेकिन अब पोस्टरों से JJP गायब होती नजर आ रही है। पोस्टरों पे तो पार्टी के पोस्टर पे JJP है, BJP के पोस्टर पे BJP है, सरकार के पोस्टर पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सिवाय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, किसी और की फोटो नहीं लग सकती। भूपेंद्र हुड्डा को तो मुझे लगता है अपनी फोटो लगाने का ज्यादा शौक है, इसलिए तो 10 साल जब वो राज में रहे हरियाणा नंबर वन लिख लिख के प्रदेश के कोने कोने में उन्होंने अपने इश्तिहार लगाए, हरियाणा नंबर वन तो नहीं बना, हरियाणा बर्बाद कर दिया उनने, जमीनें बेच खाई, दमादों की मौज कर दी। आज हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री वापस आने लगी, टैक्स में हम 44% ग्रोथ पे देश में पहले नंबर पर पहुंच गए। प्रमाण देने की और प्रमाण उनसे लेने की हमें जरूरत नहीं है, हमने हरियाणा प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है इसके ऊपर कदम उठाए और हम बहुत हद तक सफल रहे हैं। आज हर फील्ड के अंदर स्पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेडिकल फैसिलिटीज हो, चौगामी विकास जिसको बोलते हैं हरियाणा में हम करवा पाए। सर कांग्रेस में जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुई उस पर कहा है कि बेरोजगारी जो है बहुत उसका मुद्दा है, सीरियस इशू है। प्रधानमंत्री जी ने, स्पीकर, वाइस चेयरमैन राज्यसभा ने, सब ने गंभीरता से इसका संज्ञान लिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ब्रीच हुआ था, उस समय अटैक भी हुआ था, कई जवानों ने हमारी सुरक्षा बलों के अपनी जान निछावर करकर उस अटैक को रोका। ये अटैक उससे अलग था, जिस तरीके से वहां पर धुआं उड़ाया गया, पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच किया गया, मुझे लगता है आप और मैं इस पे कम बोलकर जो DGCRPF है, जो इसके नोडल ऑफिसर बनाए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो इस पे ज्यादा बेटर रिजनिंग की बात करेंगे। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है क्या, जो विधानसभा चुनाव है या फिर लोकसभा, उसमें जो टिकट बंटवारे को लेकर कोई सहमति बनी? चलो चुनाव तो डिक्लेयर होने, सर सिक्योरिटी, सर रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजन बेरोजगारी है, CET और TGT के जो टीचर्स है वो जो बच्चे हैं, आप इसका प्रमाण दे सकते हैं सर वहाँ पर बेरोजगारी के लिए? तो आप जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसके पास 5-5 degree है वो इस तरह की हरकत करता है तो क्या आप प्रमाण दे सकते हो बेरोजगारी है? सर कांग्रेस आपको भी तो रोजगार मिला हुआ है, आपने तो कोई सरकार के ऊपर अपना
वो नहीं रखा कि भाई सरकारी नौकरी ही करूंगी। आपने भी तो किसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल के साथ काम किया है। आज के दिन हर चीज़ सरकारी नौकरी पर डालना और ये कहना कि भाई इसका प्रमाण है कि इस वजह से नौकरी नहीं मिलने की वजह से इस तरह की हरकत हुई, मुझे लगता है देश की अखंडता एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ये जिसकी सोच है कि बेरोजगार हो गए तो चलो जाकर पार्लियामेंट पे इस तरह का हमला कर दे, ऐसे तरह की हरकत कर दे, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं ऐसे व्यक्तित्व में 5 साल सदस्य रहा हूँ उस सदन का, देश का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का मंदिर है, उसके अंदर ऐसी घटना होने का अगर आप सपोर्ट करते हो तो आप खुद इस देश के पक्ष में नहीं। जी सर।